Hello, my loving students. Assalamu alaikum wa rahmatullah. I hope you are doing well. You're fit and fine with God's grace. My loving students, I'm your English tutor, and I welcome you all on our online batch UKAV 1.0. Dear students, today we are going to discuss one more poem of class 9th. The name of the poem is Car Driver, written by Padma Sachdev. Now, my loving students, let's discuss this wonderful poem, Cart Driver. बेटा, cart driver हम किसको कहते हैं? सबसे पहले ये चीज़ discuss करते हैं. As you know, cart driver is the driver of the cart. Cart हम बेटा टांगे को कहते हैं. And this wonderful poem was originally written in Dogri language. इस poem को Dogri language में लिखा गया है बेटा. उसके बाद English में इसको translate किया गया by Dr. Karan Singh. Now, dear students, before we go on, before we discuss this wonderful poem, let's know the biographical note of Padma Sachdev. चलिए बेटा, सबसे पहले पद्मा सचदेव के biographical note की ओर नजर डालते हैं. कहा जाता है कि पद्मा सचदेव एक prominent figure है Dogri literature में. And this beautiful writer was born on 17th of April 1940. And she was not only a poet, she was also a short story writer. Beta, usne field of literature mein sirf ek field mein nahi likha hai, balki wo short story writer bhi thi, poet bhi thi. That means prose mein bhi usne likha hai aur poetry mein bhi likha hai usne. Aur kaha jata hai beta ki she has been widely read and acknowledged in the literary circles. In Dogri literature, वो सबसे ज्यादा पढ़ी जाती है, उसका लिटरेचर सबसे ज्यादा पढ़ा जाता है. एंड ऑल्सो वट शी डिड, शी हैज ऑल्सो रिटन अबाउट द वुमेन रिलेटेड सब्जेक्ट्स, नेचर, ह्यूमन इमोशंस. पद्मा सचदेव ने बेटा बहुत सारी चीजों पर लिखा है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स पर बात की है, पर्टिकुलरली वुमेन सब्जेक्ट पे, वुमेन राइट्स के बारे में, वुमेन ड्यूटीज के बारे में, फेमिनिज्म के बारे में. उसके अलावा शी टॉक्स अबाउट द नेचर, शी रोट अबाउट द नेचर, उसने नेचर के भी बारे में लिखा. उसके अलावा शी रोट ऑल अबाउट द इंटेंस फीलिंग्स ऑफ ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन फीलिंग्स के बारे में लिखा है शी. एंड ऑल्सो हर पोइट्री इज इंटेंसली इमोशनल. बेटा कहा जाता है कि जो उसकी पोइट्री है वो पूरी इंटेंस से भरी हुई है, पूरे डेप्थ ऑफ फीलिंग्स से भरी हुई है, उसमें बहुत ज्यादा इमोशनल अटैचमेंट है. शी वॉज अवार्डेड 1971 साहित्या अकेडमी अवार्ड फॉर हर कलेक्शन ऑफ पोम्स, मेरी कविता मेरी गीत. कहा जाता है बेटा 1971 में पद्मा सचदेव को साहित्या अकेडमी अवार्ड से भी नवाजा गया है. किस लिए? जो उसकी कलेक्टेड वर्क थी, कलेक्टेड ऑफ पोम्स थी, मेरी कविता मेरी गीत, उसके लिए उसको साहित्या अकेडमी अवार्ड से भी नवाजा गया. कब? 1971 में. और उसके अलावा कहा जाता है बेटा her short stories have also made a mark in the field of Dogri literature. Besides 5 anthologies of poetry, Padma has penned for Diwan Khana and Mitwagar. कहा जाता है बेटा कि जो उसकी short stories है उसने एक mark, एक field, एक mark, एक निशानी डाली है किसमें? डोगरी लिटरेचर में. और 5 एंथोलॉजीज ऑफ पोइट्री भी लिखे हैं, किस लिए? दीवान खाना और मितवागर के लिए. और उसके बाद कहा जाता है कि पेनफुल एक्सपीरियंस जो चेस्ट डिजीज हॉस्पिटल में थी श्रीनगर, एंड रिचर्ड द पोइट्स इमोशनली एंड इंटेलेक्चुअली. दैट मीन्स व्हेन शी वॉज इन दिस डिजीज हॉस्पिटल, चेस्ट डिजीज हॉस्पिटल इन श्रीनगर, देयर व्हाट हैपन्ड, शी एंड रिचर्ड दिस poetess emotionally and intellectually. इस poetess को intellectually और emotionally भी enrich किया है. Now dear students, let's discuss the epigraph of our poem, Cart Driver. रखे बेटा नजर क्या कहा जाता है. कह रहे हैं कि the poem is about the love a mother has for her children. It's an airy atmosphere that creates fear and dread. It's a tussle between the love a mother has for her own self and the love she has for her children. अब नजर रखे बेटा क्या कहा जाता है. क्या कहा जाता है कि जो ये हमारी poem है ना, ये poem किस related है? The love a mother has for her children. एक माँ को अपने बच्चों के लिए जो प्यार होता है, इस related ये poem है. और किस related ये poem है? This poem is written when there was the
एवरी एटमॉस्फेयर, जब पूरा खौफ का माहौल होता है, और उस टाइम पे और एक चीज है जो मेन पॉइंट है इस पोम का, दैट इज द टैसल बिटवीन द लव ए मदर हैज फॉर हर ओन सेल्फ एंड द लव फॉर हर ओन चिल्ड्रन. जब एक एक कश्मकश है, टसल हम बोलते हैं एक कश्मकश को, या हम कहेंगे एक लड़ाई है, किस बीच, जो माँ को प्यार अपने लिए होता है, अपने लाइफ के लिए और अपने बच्चों के लिए जो प्यार होता है, और उसी कश्मकश के बारे में ये पोम है. क्या एक माँ अपने बच्चों के खातिर क्या करती है, और जो एक माँ को अपने बच्चों का प्यार होता है वो क्या करती है उसके लिए. नाउ डियर स्टूडेंट्स, लेट्स डिस्कस दिस पोम स्टैंजा वाइज. नाउ लेट्स डिस्कस द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ द पोम. सबसे पहले पहले स्टैंजा की ओर नजर रखिए बेटा. कहा जाता है, इन द फियरफुल साइलेंस ऑफ द फॉरेस्ट आई हियर. नाउ द नैरेटर, हु इज द नैरेटर, द पोएट. द पोएट सेज दैट in the silent, in the fearful silence of the forest, that means the forest is full of silence and as well what fearful, dara hua, puri tarah khamoshi se chhaya hua. Poet ab kya keh raha hai, I hear, main sunti hu, kya, the sound of paws, paws here means jo पंजे होते हैं, किसके, ऑफ ए केयरफुल बुलबुल. एक बर्ड है जिसको हम बुलबुल कहते हैं बेटा. यू कैन वॉच हियर, यू कैन लुक एट दिस पिक्चर. कह रहे कि एक बुलबुल होती है. अब हमारी पॉइंट कह रहे कि मैं क्या सुनती हूँ, इनके पास की साउंड, बड़े केयरफुली वो क्या करते हैं, अपने इन पास को उठाते हैं और इस साउंड को मैं सुनती हूँ. कब, when there is a fearful silence in the forest. और क्या कह रही है, out in the night shaking the feathers on his head. और कब निकली वो, आउट इन द नाइट, अंधेरे में वो निकली है. अदरवाइज अगर आप देखोगे ना बेटा, ये जो बर्ड्स होते हैं ना, ये ज्यादातर अंधेरे में नहीं निकलते. अंधेरे में ये बैठ जाते हैं, अपने नेस्ट्स में बैठ जाते हैं, अपने घोंसलों में बैठ जाते हैं. मगर यहाँ पे देखो किस तरह का नेचर, किस तरह का माहौल क्रिएट करती है पॉइंट. कह रहे हैं कि क्या करती है, आउट इन द नाइट शेकिंग फेदर्स ऑन हिज हेड. शेक माने हिल जाना, डर के मारे क्या हो जाना, कि जब एक जानवर को क्या हो जाता है, खोप की वजह से पूरी तरह उसके फेदर्स खड़ा उठ जाते हैं. तो इसलिए कह रहे हैं कि आउट इन द डार्क, आउट इन द नाइट, वो रात के टाइम पे निकलते हैं, अंधेरे में निकलती है. किस लिए, टू फाइंड फूड फॉर इट्स लिटिल वंस, अपने छोटे बच्चों के लिए खाना ढूंढने के लिए निकली है. एंड दैट इज द लव ऑफ ए मदर. ये देखो बेटा, एक माँ का प्यार क्या होता है, एंड हंग्री इन द नेस्ट, और जो उसके बच्चे होते हैं, नाउ यू कैन वॉच हियर, जो उसके बच्चे होते हैं वो नेस्ट में, घोंसले में भूखे है. इसीलिए ये माँ क्या करती है, ये अंधेरे में निकलती है, क्या करने के लिए, टू फाइंड फूड, अपने इन बच्चों के लिए ये गिजा ढूंढने के लिए निकली है. लिटिल वंस माने छोटे छोटे बच्चे, आप यहाँ पे देख सकते हो बेटा किस तरह उसके ये छोटे बच्चे खाने के लिए तरस रहे हैं. यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरह उन्होंने अपने ये चोंच खोल के रखे हैं, इसका मतलब खाने के लिए वो तरस रहे हैं. इसीलिए माँ क्या करती है, अंधेरे में निकलती है, अपने इन छोटे छोटे लिटिल वंस माने लिटिल बेबीज, छोटे छोटे बच्चे जो इन बुलबुल के हैं, कह रहे हैं कि इसलिए वो निकले हैं खाने के तलाश में, क्योंकि ये बच्चे घोंसले में क्या पड़े हुए हैं, भूखे पड़े हुए हैं. हंग्री माने भूखे पड़े हुए होते हैं. चलिए बेटा उसके बाद पढ़ते हैं. नाउ लेट्स डिस्कस अनदर स्टैंजा. मूविंग स्लोली, कह रहे कि ये बुलबुल जो है आहिस्ता आहिस्ता चल रही है, एफ्रेड, पूरी तरह से खौफज़दा है. इट्स ईयर्स प्रिक टू पिक सम साउंड समवेयर. अब क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि जो सम, हाँ कहा, इट्स ईयर्स प्रिक टू प्रिक, और जो इसके ये कान है वो खड़े हो गए. प्रिक टू पिक माने खड़े हो गए कुछ सुनने के लिए. क्या, सम साउंड समवेयर, कहीं से कुछ साउंड आ रहा था. विद ए ग्रेन इन इट्स बीक, आप देख सकते हो, और उसके चोंच में क्या होता है, बीक, ग्रेन होता है, एक दाना होता है, एक दाना उसके चोंच में होता है, और वो कुछ साउंड सुनती है. इट हैस्टन्स टू द नेस्ट, और इसलिए क्या करती है, वो तेजी से मूव करना चाहती है. कहां की ओर, हैस्टन माने टू मूव वेरी फास्टली, वो जाना चाहती है, बड़ी तेजी से वो जाना चाहती है अपने घोंसले की ओर. क्यों, क्योंकि वहां पे उसके बच्चे बहुत भूखे होते हैं, एंड शी वॉन्ट टू गेट दैट ग्रीन टू देयर बेबीज. और उसके बाद क्या करती है, इट्स ट्विटरिंग फ्लजलिंग्स डोंट नो द फॉरेस्ट इज इन द थ्रोज ऑफ फियर. कह रहे कि जो इसके ये फ्लजलिंग्स है, फ्लजलिंग्स माने दीज लिटिल वंस, जो इसके छोटे छोटे बच्चे हैं, वो क्या कर रहे हैं बेटा, दे आर ट्विटरिंग, वो चहचहा रहे हैं.
दे आर मेकिंग नॉइज, वो बहुत जोर जोर से चू चू कर रहे हैं. क्यों? द फॉरेस्ट कह रहे हैं कि वो उनको नहीं पता है, द फॉरेस्ट इज इन द थ्रोज ऑफ फियर, और क्योंकि जो ये जंगल ही खौफ से भरा हुआ है, लेकिन उनको पता नहीं है. बल्कि उसके बावजूद भी वो क्या कर रहे हैं, वो ट्विटरिंग कर रहे हैं, वो बहुत ज्यादा चहचहा रहे हैं, दे आर ट्विटरिंग, वो बहुत ज्यादा जोर से पिंपी कर रहे हैं. अब क्या कह रहे हैं, द बुलबुल ट्रेम्बल्स मूव्स विद हिज हेड रेज्ड अलर्ट ऑल ईयर्स. अब क्या कहते हैं, कह रहे हैं कि जो ये बुलबुल है दे कंटिन्यू चिरपिंग, और वो कंटिन्यूअसली चिरप कर रहे हैं, कंटिन्यूअसली वो शोर कर रहे हैं ये उसके छोटे छोटे बच्चे. द बुलबुल ट्रम्बल्स, ट्रम्बल माने लरजना. अब क्या कहा जाता है कि जो ये बुलबुल है ये लरज गई, किस चीज से, उनकी ये आवाज सुन के. क्यों? क्योंकि ये जंगल जो है, ये जंगल पूरा किस चीज से, खौफ से भरा हुआ है. अब क्या कर रही है, द बुलबुल ट्रम्बल्स मूव्स विद हिट इज हेड रेज, और ये अपना सर ऊपर उठा के चल रही है. अलर्ट ऑल ईयर्स, वो पूरी तरह से अलर्ट है. किस लिए अलर्ट है, क्योंकि जो खौफ है उस खौफ को, जो कुछ साउंड आ रहा है या जो खौफ है उस खौफ की वजह से पूरी तरह ये अपने आप को अलर्ट कर रही है कि कोई ना आए और उनके बच्चों को नुकसान ना पहुंचाए. इसीलिए वो क्या कर रही है, वो जाना चाहती है जल्दी जल्दी अपने बच्चों तक, और जो उसके चोंच में क्या है, उसके चोंच में एक दाना है, वो दाना वो अपने बच्चों के पास जाने के लिए बड़ी तेजी में जा रही है. इसलिए वो जाना चाहती है, जल्दी अपने बच्चों तक पहुंचना चाहती है. अब बेटा उसके बाद डिस्कस करते हैं नेक्स्ट स्टैंजा क्या कहते हैं. सडनली देयर इज अ साउंड ऑफ व्हील्स, और अचानक में क्या होता है, व्हील्स का साउंड सुनने को मिलता है इस बुलबुल को. व्हील्स माने पहियों का साउंड उसको मिलने को दिखने को मिलता है. द साउंड ऑफ द ड्राई लीव्स क्रैकलिंग, और कौन सा साउंड, जब ये व्हील्स इन सूखे हुए पत्तों के ऊपर से चल रहे हैं और वहां से एक साउंड क्रिएट हो जाता है. जैसे बेटा ऑटम की सीजन में जब ये सारे पत्ते गिर जाते हैं पेड़ों से, फिर जब उन पे चलते हैं तो एक साउंड क्रिएट हो जाता है. तो इसीलिए यहां से खामोशी छाई हुई है जंगल में, और अचानक में वो एक साउंड को सुनती है. कौन सा साउंड, व्हील्स का साउंड, इन पहियों का साउंड, और द साउंड ऑफ द ड्राई लीव्स क्रैकलिंग, और ये जो ड्राई लीव्स है, जो ये सूखे हुए पत्ते हैं उन के ऊपर से ये व्हील्स चल रहे हैं, वही साउंड आ रहा था. द साउंड राइजिंग एंड सबसाइडिंग, और ये साउंड जो आ रहा था, कभी ये बढ़ रहा था कभी कम हो रहा था. इसलिए कह रहे कि द साउंड राइजिंग एंड सबसाइडिंग, कभी ये साउंड बहुत ज्यादा ऊपर चला जाता था, कभी नीचे चला जाता था. द बुलबुल हाइड्स इटसेल्फ इन द बुशेस, और वो अपने आप को छुपाती है. बुलबुल हाइड्स इटसेल्फ, इस तरह बेटा यहां पे देख सकती हो किस तरह वो झाड़ियों के पीछे अपने आप को क्या करती है, छुपाती है. किस लिए छुपाती है, इसलिए कि इसको ये जो व्हील्स का जो ये काट है ये ना देखे उसको. तो इसलिए क्या कर रही है, ये बुलबुल अपने आप को इन झाड़ियों के पीछे छुपा रही है. इट सीज, इट मानी बुलबुल. अब बुलबुल क्या देख रही है, अ बुलॉक कॉच लेडन विद गुड्स, और ये एक बुल्लॉक को देख रही है, एक टांगे को देख रही है, और ये उन्हीं उसी टांगे व्हील्स का साउंड था. जब उसको उसकी नजर पड़ती है, लैडन विद गुड्स, इसका मतलब है कि ये जो टांगा होता है, ये जो ये काट होता है, बुल्लॉक होता है, ये पूरा सामान से, गुड्स या मीन सामान, सारा सामान से भरा हुआ होता है. बुल्लॉक मूविंग बाई देमसेल्व्स, कह रहे हैं कि लेकिन जो ये बुल्लॉक है ये खुद ही चल रहा है, न कि उसको ड्राइवर चला रहा है. यहां पे बेटा थोड़ा सा दिखा रहा है आपको कि केयरलेसनेस ऑफ द कार ड्राइवर, क्या क्या कहा जाता है, बुल्लॉक जो है मूविंग बाय देमसेल्व्स, ये बुल्लॉक खुद ब खुद चल रहा है, हेड्स डाउन, और इन बुल्स का जो सर होता है नीचे होता है, और नीचे सर रख के ये चल रहे हैं, ना कि कौन चला रहा है, ड्राइवर नहीं चला रहा है, बल्कि ये खुद ब खुद चल रहे हैं. और उसके बाद द ड्राइवर स्लीप स्नोरिंग आईज कवर्ड विद द एंड ऑफ हिज टर्बन, कह रहे कि जो इसका ड्राइवर है, इस बुल्लॉक का ड्राइवर जो है वो सोया हुआ है और स्नोरिंग खराटे मार रहा है. बेटा यहां देखिए हाउ दिस ट्राइज टू मेक अस अवेयर अबाउट द केयरलेसनेस ऑफ द ड्राइवर, कह रहे हैं कि ये बुल्लॉक खुद चल रहा है, इन बुल्स का सर नीचे की ओर है, लेकिन जो उसका ड्राइवर है वो सोया हुआ है.
सोने खर्राटे मारा है, दैट मीन्स गहरी नींद में है। आईज कवर्ड विद द एंड ऑफ हिज टर्बन, न कि आंख खोल के है बल्कि जो उसकी पगड़ी होती है उससे अपने आंखें भी बंद किए हैं। फ्रॉम द एंड ऑफ हिज टर्बन ही कवर्ड हिज आईज, अपने आंख इस पगड़ी से बंद किए हैं। दैट मीन्स पूरी नींद में है, खर्राटे मार रहा है और ये बुल्ला खुद ही चल रहा है। अब देखिए आगे क्या होता है बेटा। What if the god stumbles? अब देखो बेटा, अब ये माँ, अब ये बुलबुल इमेजिन कर रही है। क्या इमेजिन कर रही है? कह रही है कि व्हाट इफ द कॉट स्टम्बल, स्टम्बल माने गिरना। कह रही कि क्या होगा अगर ये कॉट क्या हो जाएगा, स्टम्बल हो जाएगा, अगर ये गिरेगा, अगर ये कहीं पे गिर जाएगा। द कार ड्राइवर्स हुक्का ओवरटर्न्स, और जो इस कार ड्राइवर के पास हुक्का होता है, तंबाकू पीने का जो एक जरिया है, एक हुक्का होता है जिससे तंबाकू पिया जाता है, कह रहे कि अगर उसका ये हुक्का ओवरटर्न हुआ, अगर ये भी नीचे गिरा, तो ये सारा इमेजिन करते हैं। द फॉरेस्ट कैच फायर, फिर पूरा ये जंगल आग से लथपथ होगा, पूरे आग लग जाएगी जंगल में। आप देख सकते हो बेटा, अगर जंगल में आग लग जाती है तो कुछ बचने का, चाहे जितने भी क्रिएचर्स वहां पे होते हैं, कुछ भी नहीं बचता है। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा घना होता है वहां पे, बहुत ज्यादा मतलब सूखे पत्ते बाकी जड़ पड़े होते हैं। जब अगर आग लग जाएगी तो बचने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे ये एक पिक्चर आपको दिखाएगी, आप तस्वीर कर सकते हो कि अगर जिस तरह बुलबुल क्या करते हैं, इमेजिन करती है कि अगर आग लग जाए, अगर उसका हुक्का ओवरटर्न होगा, फिर अगर आग लग जाएगी कहां पे, जंगल में अगर आग लग जाएगी, कह रहे कि इस चीज से क्या होता है, इट इमेजिन्स द फॉरेस्ट ऑन फायर। और उसके बाद ये क्या करती है, ये इमेजिन करती है क्या जो ये फॉरेस्ट है इसमें आग लग जाती है। एंड विशेस टू रन टूवर्ड्स इट्स नेस्ट, अब ये क्या करना चाहती है, ये तेजी से जाना चाहती है अपने घोंसले के पास, मतलब वो तेजी से जाना चाहती है अपने बच्चों के पास। आप देखो, इमेजिन करती है कि आग लग जाती है इस फॉरेस्ट में, तो अपने बच्चों के खातिर, अपने बच्चों के खातिर जो प्यार है उसको बच्चों का, इसलिए वो क्या करना चाहती है, वो नेस्ट तक पहुंचना चाहती है। किस लिए? टू सेव इट्स यंग वंस, कि वो अपने इन छोटे बच्चों को बचा सके। ये होता है माँ का प्यार। और बट कैनॉट लिफ्ट इट्स लेग्स आउट ऑफ फियर, मगर ये इतना डर जाती है, ये इतना खौफ ज्यादा हो जाती है इस चीज को इमेजिन करके कि उसके टांगे हिल नहीं पाते हैं। शी इज नॉट एबल टू लिफ्ट इट्स लेग्स, लिफ्ट माने उठाना। कह रहे हैं कि खौफ ज्यादा वो इतनी हो जाती है इमेजिन करने के बाद कि उसके ये टांगे नहीं उठ पाते हैं, और क्या हो जाता है, आउट ऑफ द फियर, इतना खौफ ज्यादा होने की वजह से वो अपने टांगों को उठा नहीं पाती है। और क्या होता है बेटा, जब ये चीज इमेजिन करती है, तो यहां पे हमें बेटा इस पोम में दिखाता है कि केयरलेसनेस ऑफ ए कार ड्राइवर, एक कार ड्राइवर की क्या केयरलेसनेस है, किस तरह वो केयरलेस होता है। क्यों? देखो बेटा, जब हम जिंदगी में चलते हैं, जिंदगी में हमारे हम एक दूसरे पे डिपेंड है, हमारी एक गलती से हम कितने लोगों की जान ले सकते हैं। इसीलिए जो भी हम काम करेंगे ना, हर एक काम को बड़े होशियारी के साथ करना चाहिए, ना कि हम किसी भी चीज में क्या हो जाए, हम किसी भी चीज में लापरवाह बन जाए। हमारा ये लापरवाही का नशा दूसरे इंसान के मौत का सबब बन सकता है। इसलिए इस पोम के आखिर में हमें ये पता चलता है बेटा कि एक माँ को अपना अपने लिए प्यार और अपने बच्चों के लिए प्यार कितना होता है। और यही कश्मकश होती है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि पहले अपने आप को बचाती है, जब व्हील्स का साउंड सुनती है अपने आप को कहाँ छुपाती है, झाड़ियों के पीछे छुपाती है। और उसके बाद जब इमेजिन करती है कि पूरा जो जंगल है, पूरे जंगल में आग लग जाती है, उसके लिए क्या करती है, अपने आप को मुमकिन बनाती है कि वो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी वो कहां पे पहुंचे, अपने इन बच्चों के पास पहुंचे और इन बच्चों को इस आग से बचा ले। लेकिन खौफ इतना ज्यादा होता है कि उसके ये टांगे उठ नहीं पाते हैं। बेटा समझ आया? ये थी हमारी पोम आज की, कार ड्राइवर, जो एक छोटी सी पोम है, एक मजेदार पोम है बेटा। आई होप यू अंडरस्टूड एवरीथिंग अबाउट द पोम। अब बेटा
जल्दी जल्दी मैं इसको समराइज करता हूँ, पहले से ही, पहले वाले स्टेंजा से ही, फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग. कहा जाता है कि पूरी साइलेंस है, फॉरेस्ट पूरी साइलेंस से भरा होता है. अब पॉइंट कह रहा है कि मैं क्या सुनती हूँ, द साउंड ऑफ द पास ऑफ द बुलबुल, मैं बुलबुल की पास का साउंड सुनती हूँ. वो अंधेरे में निकली होती है, क्यों, कुछ फूड ढूंढने के लिए अपने बच्चों के लिए, क्योंकि उसके बच्चे बहुत ज्यादा भूखे होते हैं. तो ये पहले वाले स्टंजा की समरी है बेटा. उसके बाद दूसरे में क्या कहते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता इस जंगल में चल रही है, पूरी तरह खौफजदा है, और आखिरकार क्या करती है, और उसके जो कान होते हैं वो बड़े अलर्ट होते हैं कुछ आवाज को सुनने के लिए. और उसके बाद क्या कहा जाता है बेटा, उसके बीक में और उसके चोंच में एक दाना होता है. और साथ में क्या करती है वो, क्या करती है वो, सुनती है कि जो उसके ये नए बच्चे हैं, जो ये न्यू वंस है, वो बहुत ज्यादा शोर कर रहे हैं, लेकिन उनको नहीं पता किस चीज को, द थ्रोज ऑफ द फियर, जो जंगल का ये खौफ है, उनको ये नहीं पता है. और वो कंटिन्यूअसली चिरपिंग कर रहे, कंटिन्यूअसली शोर कर रहे हैं. और जो बुलबुल होती है वो बहुत ज्यादा इस बात से क्या करती है, ट्रम्बल करती है, वो बहुत ज्यादा डर जाती है. और इसलिए क्या करती है, आखिर में क्या करती है, इस स्टेंजा में हमने पढ़ा, अपने आप को, अपने हेड को ऊपर रखती है, ईयर्स को अलर्ट करती है कुछ आवाज को सुनने के लिए. और उसके बाद वो अचानक क्या करती है, इन व्हील्स की साउंड सुनती है, जो एक टांगा होता है, उस टांगे के जो पहिया होते हैं उन पहियों की आवाज सुनते हैं. और कब, जब वो इन सूखे हुए पत्तों के ऊपर से चल रहा है, तो वो जब आवाज सुनती है वो अपने आप को क्या करती है, छुपाती है. और ये जो ये साउंड होता है इन पहियों का, इन पत्तों के ऊपर से चलने का, वो कभी क्या हो जाता है, राइज हो जाता है, कभी कम हो जाता है. और अपने आप को बचाने के लिए यहाँ पे दिखाता है बेटा, पहले हमने पढ़ा यहाँ पे माँ को अपने लिए जो परवाह है, अपने जान की परवाह है, तो इसीलिए अपने आप को छुपाने के लिए कहाँ जाती है, झाड़ियों के पीछे से चली जाती है. और उसके बाद वो क्या करती है, उसके बाद वो एक काट को देखती है, एक बुल्लॉक को देखती है. और जो ये बुल्लॉक होता है ना, ये चीजों से भरा होता है. और जो ये बुल्लॉक होता है ये खुद ब खुद चल रहा है, ये खुद मूव कर रहा है. और जो इसके ये बुल्स होते हैं ये नीचे की ओर देखते हैं और आगे बढ़ते हैं. और जो इस बुल्ला का ड्राइवर होता है वो सोया हुआ होता है और खराटे मार रहा है. और उसका जो ये पगड़ी पहनी हुई होती है वो उसने क्या किया होता है, अपने आंखें उसकी वजह से कवर किए होते हैं. और उसके बाद बेटा आखिर में क्या करती है, जो ये बुलबुल है, बुलबुल इमेजिन करती है. क्या इमेजिन करती है, वो इमेजिन करती है कि अगर ये काट स्टम्बल हो गया और इस कार ड्राइवर के पास जो ये हुक्का होगा वो भी नीचे गिरेगा, नीचे गिरने के बाद ये क्या करती है कि फिर अगर क्या होगा, अगर फिर आग लगेगी किस में, जंगल में, फिर ये इमेजिन करती है कि जंगल में आग लग जाती है. जब ये इमेजिन करती है फिर ये इतना ज्यादा डर जाती है और ये चाहती है कि वो बहुत तेजी से अपने बच्चों के पास पहुंचे और अपने बच्चों को इस आग से बचा ले. लेकिन खोप इसको इस तरह पकड़ लेता है, ये डर इसको इस तरह पकड़ लेता है कि वो अपने इन लेग्स को उठा नहीं पाती है. और बेटा ये थी हमारी पोम आज की, जिसका नाम था कार ड्राइवर. एक खूबसूरत पोम थी पद्मा सचदेव की. आई होप माई लविंग स्टूडेंट्स कि आप सबको ये अच्छे से समझ आई होगी, कहीं पे आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी. अब बेटा अगर कहीं पे भी आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, और मैं कोशिश करूंगा आपको वहां पे समझाने की और आपके हर एक डाउट को क्लियर करने की. नाउ डियर स्टूडेंट्स, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन माय लॉन्ग स्टूडेंट्स, खुदा हाफिज.